दोस्तों, मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार स्टडी में सुभाष सिंह जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो कि किरण मैथ बुक का सलूशन चल रहा है, जिसमें से टाइप टू के 8 क्वेश्चन हो गए थे, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, जिसमें से 9 नंबर के क्वेश्चन है। कह रहा कि एक महाविद्यालय के 132 विद्यार्थियों के अंकों का औसत क्या, एक महाविद्यालय के 132 विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितने विद्यार्थी, 132 विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना है, 40 है। ठीक, यदि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के औसत जो है 42 है तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत 20 है, तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का योग का अनुपात क्रमशः क्या होगा। ठीक, तो हम देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे एक तरफ उत्तीर्ण, उत्तीर्ण दूसरी तरफ अनुत्तीर्ण। ठीक, कह रहा है कि एक महाविद्यालय के 132 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 40 है, जो 132 विद्यार्थी हैं उनके टोटल अंकों का औसत कितना है, 40 है। तो जो टोटल होता है उसको बीच में लिखते हैं, यहाँ 40 है। कह रहा है कि यदि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का औसत 42 है, जो उत्तीर्ण हुए हैं इनका औसत कितना है, 42 है। ठीक, तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना है, 20, जो अनुत्तीर्ण हुए हैं उनका औसत 20, उत्तीर्ण का 42, सभी का 40। तो हम यहां देखते हैं औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, क्या पदों की संख्या। ठीक, तो यहां इसमें क्या है, औसत में पदों की संख्या सबसे नीचे है, तो यहां क्या आएगा, जो संख्या आएगी छात्रों की यहां सबसे नीचे आएगी। कैसे निकलेगा वो, इसको भी देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, 42 जो ज़्यादा कम वाले से घटा देंगे, 42 42 और 40 का अंतर कितना होगा, 2। ठीक, 40 और 20 का अंतर कितना होगा, 20। ठीक, 42 और 40 का अंतर 2, 40 और 20 का अंतर 20। अब इसका रेशियो हम निकालेंगे कितना आ जाएगा, एक बार जाएगा और इधर 10, मतलब 10:1। ठीक, ये क्या है, विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात आया। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जो 42 जो औसत में 42 अंक प्राप्त किए हैं, प्रत्येक छात्र क्या क्या किए हैं, 42 अंक प्राप्त किए हैं, तो टोटल कितने छात्र हैं, 10, 10 छात्र हैं, सभी लोग 42 अंक प्राप्त किए हैं, तो टोटल कितने अंक प्राप्त करेंगे, 420, कितना, 420। फिर अनुपात का है तो अनुपात का सिंबल लिखते हैं, फिर इसमें अनुत्तीर्ण वाले में क्या हुआ है कि 20 औसतन लगभग 20 नंबर सभी छात्र पाए हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो एक छात्र ही अनुत्तीर्ण हुआ है, अनुपात के रिगार्डिंग कि एक छात्र अनुत्तीर्ण हुआ है और वो कितना पाया है, 20, तो टोटल कितना हुआ, 20। ठीक, इसी का रेशियो पूछा है, तो 0:0 से कैंसिल, एक बार जाएगा और इधर 21:1 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1, यही परम सत्य आंसर है। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक महाविद्यालय के 132 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 40 है, तथा उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का औसत 42 है, अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत 20 है, तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का अनुपात क्रमशः क्या होगा। तो एक तरफ उत्तीर्ण लिखेंगे, दूसरी तरफ अनुत्तीर्ण लिखेंगे। कह रहा है कि प्रश्न में जो उत्तीर्ण हुए हैं वो औसतन 42 नंबर पाए हैं, जो अनुत्तीर्ण हुए हैं उनका औसत 20 है, तो हम रेशियो निकाल लेते हैं, हो जाएगा 10:1, मतलब 10 छात्र जो हैं ये क्या है, उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक, 10 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और प्रत्येक को 42 नंबर मिला है लगभग, तो 420 नंबर हो जाएगा टोटल इसका, और 20 नंबर इसका, रेशियो निकालेंगे 21:1, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा, यही परम सत्य आंसर है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव हूँ सुदशरथ अजीर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया। 10 नंबर के क्वेश्चन है, कह रहा है कि 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, कितने विद्यार्थी हैं, 80, 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, ठीक, 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों का अनुपात, ग्रामीण
और शहरी विद्यार्थियों का अनुपात, विद्यार्थियों का अनुपात 3:5 है। क्या? 3:5 है। ठीक है। किसी परीक्षा में ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, किसी परीक्षा में ग्रामीण छात्रों का औसत प्राप्तांक, ग्रामीण छात्रों का औसत प्राप्तांक शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। ठीक, 40% अधिक है। और क्या पूछा है इसमें? 40% अधिक है यदि सभी विद्यार्थियों का औसत सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 69 है। सभी विद्यार्थियों का प्राप्तांकों का औसत प्राप्तांकों का औसत 69 है। ठीक, 69 है। तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या है? तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या है? ठीक, ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर एक 80, एक नंबर है 80, दूसरा नंबर क्या है 76, तीन नंबर का ऑप्शन क्या है 92, चार नंबर का क्या है 84, यही दे रखा है। ठीक, कह रहा है कि 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों का अनुपात 3:5 है। किसी परीक्षा में ग्रामीण छात्रों का औसत प्राप्तांक शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। सभी विद्यार्थियों के प्राप्तांक का औसत 69 है, तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या है? ठीक, तो हम लिखेंगे, सबसे पहले एक तरफ लिख लेंगे ग्रामीण विद्यार्थी। क्या करेंगे? सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे ग्रामीण और दूसरी तरफ शहरी। ठीक, अब कह रहा है कि किसी परीक्षा में ग्रामीण छात्रों का औसत प्राप्तांक शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। तो 40% अधिक है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 2 × 4 2 × 5 10। ठीक, कह रहा है कि ग्रामीण छात्रों का औसत प्राप्तांक शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। तो ग्रामीण वालों का औसत जो है अधिक है, कितना है 40% अधिक है। अगर शहरी 5x है तो ग्रामीण कितना होगा 7x, यह हम निकाले हैं। ग्रामीण या शहरी है 5, तो शहरी है 5 तो ग्रामीण जो है उससे 2 अधिक होगा, तो 7x हो जाएगा। ठीक, इधर 7x, इधर 5x, और बीच में क्या कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है 69 है। ठीक, हम यहाँ 69 क्यों नहीं लिखे हैं? इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ अभी भी क्लियर नहीं है, इसको हम माने हैं सिर्फ, और ये जो है क्लियर वैल्यू दिया है, तो यहाँ जो माने हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा उसको हम निकालेंगे, वो इसके बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ 69 हो गया। अब यहाँ नीचे किधर कितना दे रखा है? इधर इधर दे रखा है 3:5, 3:5। यहाँ नीचे क्या आएगा? ये छात्रों का अनुपात आएगा। ठीक, ग्रामीण कितने छात्र हैं? लगभग 3, और शहरी 5, इसी दोनों के अनुपात में ये है 3:5 के अनुपात में। ठीक, अब हमें यही निकालना है बीच वाला, जो बीच वाला होगा क्योंकि यही रियल वैल्यू दे रखा है, ये वैल्यू जो आएगा इसके बराबर होना चाहिए। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, देखते हैं, लिखेंगे आगे इसको, बीच वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें
इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक हो जाएगा 7 21 यक्स प्लस 5 25 यक्स, किससे डिवाइड करेंगे, इतना प्लस इतना, ठीक इतना प्लस इतना हो जाएगा कितना 8, ठीक। अब ये बराबर कितने का है, 69 का है, ठीक। अब आगे देखेंगे, 21 में अगर 25 जोड़ेंगे हो जाएगा 46, यक्स बटे 8 बराबर 69, ठीक। कैंसिल करेंगे, कैंसिल करेंगे क्या आएगा, दो दो चौक 8, इधर आएगा 23, और ये 3 बार यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा 3 × 4 = 12, ठीक। समझ में आया इतना, कह रहा है कि ग्रामीण 7 यक्ष है तो शहरी 5 यक्ष है, ठीक। टोटल 69 इसका औसत है, इस विद्यार्थियों का अनुपात दे रखा है ऑलरेडी 3:5, हमें इसको निकालना है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसको जोड़ के डिवाइड करेंगे किससे, इसका प्लस इससे, ठीक। आया कितना 12। पूछ रखा है कि ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या है, क्या ग्रामीण ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या है, यही पूछ रहा है, ठीक। तो ग्रामीण के नीचे हमें क्या लिखे, 7 यक्ष लिखे, कितना लिखे हैं 7 यक्ष, तो 7 लिखेंगे, यक्ष बराबर कितना है 12, 84, यही आंसर होगा। यह किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 यही परम सत्य आंसर है। फिर से एक बार देख लेते हैं, कह रहा कि 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों का अनुपात 3:5 है, किसी परीक्षा में ग्रामीण छात्रों का औसत प्राप्तांक शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है, ठीक। सभी विद्यार्थियों का प्राप्तांक औसत 69 है, तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या होगा, तो एक तरफ ग्रामीण लिखे एक तरफ शहरी लिखे, इधर 5 यक्ष है तो इधर 7 यक्ष है, कैसे, क्योंकि कहा है कि कितना 40% अधिक है, तो 40% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे हो जाएगा 2/5, मतलब अगर शहरी 5 है तो ग्रामीण उससे 2 अधिक होगा, 7 यक्ष हो जाएगा, ठीक। और टोटल औसत प्राप्तांक कितना है 69 है, तो इसको सॉल्व किया, यहाँ बीच वाला निकालना था, बीच वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो हो जाएगा 7 × 21 यक्ष प्लस 5 × 25 यक्ष, इसको डिवाइड करेंगे किससे, इसका प्लस इसका, ठीक, तो हो जाएगा 8, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 12, और यक वैल्यू 12 आ गया, तो यहाँ 7 यक्ष का निकालना है, 84 यही होगा, परम सत्य आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन, दीन दयाल भी हृदय सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, राम सिया राम जय जय राम। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा के सेक्शन ए एवं बी के विद्यार्थियों की कुल संख्या 72 है, एक कक्षा क्या, कि एक कक्षा के सेक्शन ए तथा सेक्शन बी तथा सेक्शन बी के विद्यार्थियों, एक कक्षा के सेक्शन ए सेक्शन बी के विद्यार्थियों का कुल संख्या 72 है, विद्यार्थियों की कुल संख्या 72 है, ठीक, कुल संख्या 72 है, ए तथा बी में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 7:5 है, ए तथा बी, ए तथा बी में छात्रों की संख्या का अनुपात, छात्रों की संख्या का अनुपात अनुपात 7:5 है, ठीक, अनुपात कितना है 7:5 है। सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन सेक्शन ए के विद्यार्थियों के औसत वजन से 20% अधिक है, ठीक। सेक्शन बी में छात्रों का औसत वजन सेक्शन ए के
सेक्शन ए के छात्रों से 20% छात्रों, सेक्शन बी में छात्रों का औसत वजन सेक्शन ए के छात्रों से 20% अधिक है, 20% अधिक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 20% अधिक है यदि कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 52 की, यदि कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन, सभी विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है? 52 kg है। कितना है? 52 kg है, 52 kg है। तो सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन, तो सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है? ठीक, विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, यही निकालना है। ठीक, ऑप्शन नंबर एक कितना रखा है? ऑप्शन नंबर एक में 58.2, ऑप्शन नंबर दो में क्या रखा है? 57.9, 57.9। ऑप्शन नंबर तीन, ऑप्शन नंबर तीन में दे रखा है 57.6। ठीक, ऑप्शन नंबर फोर, इसमें दे रखा है 56.4, 56.4। ठीक, यही दे रखा है ऑप्शन। ठीक, एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन फिर से। एक कक्षा के सेक्शन ए तथा सेक्शन बी के विद्यार्थियों की कुल संख्या 72 है। कितना है? 72 है। ठीक, ए तथा बी में छात्रों की संख्या का अनुपात 7:5 है। सेक्शन बी में छात्रों का औसत वजन सेक्शन ए के छात्रों से 20% अधिक है। यदि कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 52 kg है तो सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन क्या होगा? ठीक, चलते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं। एक तरफ लिखेंगे सेक्शन ए, एक तरफ लिखेंगे सेक्शन बी। ठीक, लिख लिए। अब कह रहा है कि ए तथा बी में छात्रों की संख्या का अनुपात 7:5 है। संख्या का अनुपात 7:5 है, तो छात्रों की संख्या का अनुपात कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखा जाता है। ठीक, कहाँ लिखेंगे? नीचे, 7:5। ठीक, लिख लिए। फिर कह रहा है कि सेक्शन बी में छात्रों का औसत वजन सेक्शन ए की छात्रों से 20% अधिक है। ए की छात्रों से 20% अधिक है, 20% अधिक है। ये बराबर कितना हुआ? 1/5 के। ठीक, मतलब अगर सेक्शन कह रहा है कि सेक्शन बी में छात्रों का औसत वजन सेक्शन ए की छात्रों से 20% अधिक है, अगर सेक्शन ए में 5x छात्र हैं, ठीक, कह रहा है औसत वजन 20% अधिक है, यदि सेक्शन ए के 5x औसत वजन है तो सेक्शन बी में कितना होगा? एक ज्यादा होगा, मतलब कितना हो जाएगा? 6x, समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है? 52 kg है। कितना है? 52 kg। ठीक, समझ में आ गया, यहां 52 kg है। अब ये हमें देखना है कि ये तो जो हमने लिखा है इसको मान के लगाए हैं, और ये जो दिया है क्या रियल वैल्यू दिया है 52 kg। ठीक, तो हमें यहाँ निकालेंगे इस मानने के अकॉर्डिंग जो आएगा ये बीच वाला वो इसके बराबर होना चाहिए भाई, क्वेश्चन में जो दे रखे हो तो बराबर होगा ही, तो हम देखते हैं क्या आएगा। ठीक, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और ये प्लस ये, समझ में आया इतना निकालेंगे। 5 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 35x। क्या आएगा? 35x। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे होगा 30x। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे किससे? 7 + 5 = 12। ये बराबर किसके होगा? ये किसके बराबर होगा? 52 kg के। किसके? 52 kg। ठीक, ठीक, आगे देखते हैं। 35 में 30 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 65। कितना आएगा? 65x डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 52 kg। ठीक, 52
जी, इसको कैंसिल करेंगे तो 13 से देखेंगे ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी वाला हो रहा है, तो 13 चौका 52, 13 पच्चे 65, ठीक। 5x/12=4, ठीक। तो x बराबर 4×12/5 कैसे होगा, 4 यहाँ है यही रहेगा, 12 इधर जाएगा तो इधर भाग हो रहा है जो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x के साथ 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके भाग हो जाएगा, यही पक्षांतर का नियम है, ठीक। x बराबर इतना आ गया। अब क्या पूछ रहा है कि सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, तो सेक्शन बी ये है, सेक्शन बी यही मान रहे हम 6x। अगर 1x के मान इतना है तो 6x के वैल्यू हम निकालेंगे आसानी के साथ, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x निकालेंगे तो इसका 6 गुना हो जाएगा, 6×4×12/5, ठीक। ये बराबर होगा 6 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 24×12/5, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 चौक 48, हासिल 4, 12 दूनी 24, 4 28, 288/5, ठीक। डिवाइड करेंगे, 5 पच्चीस 25, 3 28 38, 5 7 35, पॉइंट लगाएंगे 0 उतरेगा, 3 बचेगा 30, 5 6 30, 57.6, क्या 57.6, किस ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 यही परम सत्य आंसर होगा, ठीक। एक बार फिर से समझ लेते हैं, कह रहा कि किसी एक कक्षा के सेक्शन ए तथा सेक्शन बी के विद्यार्थियों की कुल संख्या 72 है, लिख लीजिए उसको, 72 है तो ठीक है। ए तथा बी में छात्रों की संख्या का अनुपात 7:5 है, लिख लीजिए। सेक्शन बी में छात्रों का औसत वजन सेक्शन ए के छात्रों से 20% अधिक है, 20% मतलब 1/5, ठीक। सीधी सी बात है, 1/5, अगर एक 5x से दूसरा 6x होगा, अगर ऐसे नहीं लगा पा रहे हो तो ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इधर हो जाएगा 100, ठीक, तो इधर कितना हो जाएगा 120x, क्योंकि 20% वो ज्यादा है, ठीक, 120x हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे, 0 0 से कैंसिल, फिर कैंसिल करेंगे, 2 6 12 2 5 10, 5x इधर आया, 6x इधर आया, वही हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए, ठीक। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो कह रहा है कि 20% अधिक है यदि कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन, औसत वजन 52 kg है, तो सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन कितना होगा। हम यही बीच वाला हमें निकाल के इसके बराबर करना है, तो बीच वाला निकाल लीजिए, इसके मल्टीप्लाई इसमें, इसके मल्टीप्लाई इसमें, और उसको डिवाइड कर देंगे इसको प्लस इसको जोड़ के, ठीक। तो टोटल कितना आ गया, एक्स की वैल्यू आई 4×12 इज डिवाइडेड बाई 5, ये एक्स की वैल्यू है, तो 6x निकालना है, इसका 6 गुना कर देंगे तो 6×4×12 इज डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 57.6, यही परम सत्य आंसर है जो कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो टाइप 2 यहीं पर समाप्त होता है, ठीक, टाइप 2 यहीं पे समाप्त होता है। टाइप 3 के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।